वेलकम टू माय चैनल सीड एकेडमी और मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम लोग अपना प्रोबेबिलिटी चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा डे 10 है और आज हम लोग 31 से लेके 35 क्वेश्चन तक इस सेशन में डिस्कस करेंगे, जो आपके एनसीईआरटी की बुक क्लास 10th का 15 चैप्टर है, जो हम कंसिस्टेंटली करते हुए आ रहे हैं। और जो बच्चे मेरे साथ अभी नए जुड़ रहे हैं, प्लीज आप इस सेशन को ध्यान से देखिए, आपको सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और जितनी भी एनसीईआरटी की वेटेज है प्रोबेबिलिटी को लेकर, वो जरूर आप पूरी कर पाएंगे और आप प्रोबेबिलिटी में पूरे नंबर जरूर ले लेंगे। बस उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको इस सेशन ध्यान से देखना है और मुझे सब्सक्राइब जरूर करना है, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो देर ना करते हुए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 33 है एनसीईआरटी की बुक का। यहाँ पर ये बोला गया है कि जो एक बिंगो है, एक बिंगो मशीन है जिसमें क्या है आपकी 65 बॉल्स है। यहाँ पर 65 बॉल्स हैं जो अलग अलग जिन पर नंबरिंग की गई है, जिसमें आपके अल्फाबेट्स के साथ साथ नंबर लिखे गए हैं, जैसे B1, B2, B3 अप टू B30, P1, P2, P3 अप टू P30। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या किया गया, नंबरिंग की गई है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो टोटल है ये आपका कितना है, 65 बॉल्स है। ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है और अगर आप चाहें तो 13 बॉल आपकी बी है, 13 आपकी पी है, 13 एन है, 13 जी है और 13 ओ है। अगर आप सबको प्लस करते हैं या 13 × 5 करते हैं तो भी आपको 65 ही मिलता है। तो 65 जो है वो आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है। तो यहाँ पर पहला जो प्रोबेबिलिटी उसने पूछी है हमसे, वो पूछी है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बॉल दैट हैव रिटन अ जी ऑन इट, कि मतलब जो बॉल आप निकाल रहे हो उस पर क्या लिखा होना चाहिए, जी लिखा होना चाहिए। तो सिंपल सी चीज है, अब आप यहाँ पर पूरे उसमें लिखें कि जी ऐसे कितनी बॉल्स हैं जिनके ऊपर जी लिखा होगा। यहाँ पर ये जो लाइन है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि G1 से लेके G13 तक 13 ऐसी बॉल्स हैं जिन पर जी मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पर ऊपर आपके आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 13, और नीचे आपको पता है कि आपको टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं वो है आपके 65। तो आपका क्या हो जाएगा, 13/65, जिसको आप क्या लिख सकते हो, 1/5 भी लिख सकते हो, क्योंकि 13/5 = 65 होता है। तो आपका पहला आंसर क्या हो गया, 1/5 हो गया। दूसरी चीज पूछी जाती है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5। इसको ध्यान से देखिए बेटा, उसने बोला है कि जो मल्टीपल ऑफ 5 नहीं हो। तो इन दैट कंडीशन अगर आप देखते हैं कि जो 5 के जो मल्टीपल होंगे, यहाँ पर अगर B4 आएगा और B5 आएगा, एक B5 की ऐसी लाइन होगी 5 की, B5, P5, N5, G5 और O5, ये क्या होंगे, मल्टीपल ऑफ 5 है। सेम ऐसे क्या होगा, B10 भी बीच में एक आएगा, जो 10 भी क्या है, मल्टीपल ऑफ 5 है या नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पर P10 भी आएगा, N10 आएगा, G10 आएगा और O10 आएगा। तो यहाँ पर टोटल अगर आप देखते हैं तो 5 इसमें और 5 इसमें, तो टोटल कितना हो गया आपका, 10 हो गया। तो उसने क्या बोला है कि जो 10 है वो नहीं आना चाहिए, उसे प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, जो नहीं आना चाहिए। तो आप इसको बचे हुए कितने हो गए, 65 - 10/65, तो यहाँ पर आपका हो जाता है 55/65। तो ये आपकी हो जाती है 11/13, ये प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, 11/13। इसमें कौन कौन से 10 नंबर्स हैं, ये आपके बेटा इसमें इंक्लूडेड हो जाते हैं आपके B5, यहाँ पर आप लिख सकते हैं यहाँ पे B5, P5, N5, G5, O5, B10, P10, N10, G10 एंड O10, ठीक है। तो ये आप टोटल करते हैं तो इनका क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। तो बाकी बचे हुए कितने हो गए, 55 हो गए। इसके बाद इसी में बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछता है कि ड्रॉइंग अ बॉल दैट हैज अ डबलेट, डबलेट मींस कि डबल जो नंबर आते हैं, डबलेट मींस परेशान नहीं होना है। डबलेट का मतलब होता है, जब डबलेट बोला जाता है तो डबलेट का मतलब होता है एक ही नंबर का दो बार आ जाना, ठीक है। तो डबलेट का मींस है कि एक ही बार का दो नंबर आ जाना। यहाँ पर डबलेट क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट। डबलेट का मतलब है कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देख कि जो नंबर आ रहे हैं, यहाँ पर 9 तक तो एक ही नंबर है, उसके बाद 10 में क्या होता है, 1 और 0 जाती है, 11 में क्या होता है, 1 और 1, वहां पर नंबर का क्या हुआ, डबलेट हुआ, मींस सेम नंबर को दो बार यूज किया गया, दैट इज कॉल्ड अ डबलेट।
तो यहाँ पर आप अगर देखते हो तो जो B11 होगा वो एक डबलेट है, P11 एक डबलेट है, N11 एक डबलेट है, G11 एक डबलेट है और O11 भी एक डबलेट है। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी आती है वो आती है 5/65 की, कि भाई चांस क्या है 5/65 की आपके चांस है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाती है 1/13। होपफुली आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपके सारे डाउट्स क्या है क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 31 क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 31 क्वेश्चन में बेटा पूछा गया है कि क्या व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 30 अ मंथ व्हिच हैव अ 31 डेज। तो ऐसा आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसकी क्या होगी 31 क्या होंगे डेज होंगे। तो आपको ऑलरेडी पता है कि टोटल आपके टोटल मंथ्स इन अ ईयर कितने होते हैं, आपके मंथ्स इन अ ईयर होते हैं आपके 12 होते हैं, होते नहीं होते। तो ये तो हमारा क्या हुआ, हमारा आउटकम हुआ, टोटल आउटकम हो गया। अब हमें क्या चाहिए, वो वाले इयर्स चाहिए जिसमें क्या है आपके 31 डेज होंगे। तो आपको सबको पता है कि जनवरी होता है, फरवरी नहीं होता है, मार्च होता है, अप्रैल नहीं होता है, मई होता है, जून नहीं होता है, जुलाई होता है, अगस्त होता है, सितंबर नहीं होता है, अक्टूबर होता है, नवंबर नहीं होता है और दिसंबर होता है। इन सारे में क्या होते हैं आपके 31 डेज होते हैं। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा आपकी कि 7 का चांसेस है कि ऐसा मंथ आपको मिले जिसमें आपकी क्या हो 31 डेज आते हो। और टोटल आपको पता है कि टोटल मंथ आपके 12 होते हैं, तो आंसर विल बी 7/12। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, बस आपको छोटा सा काम करना है, धीरे धीरे समझते रहना है, बिना समझे नहीं पढ़ना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग 32 क्वेश्चन पर चलते हैं। 32 क्वेश्चन आपका क्या बोलता है सब लोगों के में 32 देखते हैं। इसके बाद हम लोग इसी का आपका बोलता है आ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज नाइदर अ फेस कार्ड नॉर अ प्राइम नंबर। ठीक है, नाइदर अ फेस कार्ड नॉर अ प्राइम नंबर, ओके, इसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी। आपको ऑलरेडी पता है कि टोटल कार्ड्स कितने हैं बेटा आपके, आपको मैं कार्ड्स का ऑलरेडी बहुत अच्छे से कार्ड्स को आपको समझा चुकी हूँ पिछली अपनी क्लासेस में। जिसने भी नहीं देखी है वो पीछे जाके सीड एकेडमी में फाइंड आउट कर सकता है और देख सकता है। यहाँ पर टोटल कार्ड्स कितने हैं बेटा, टोटल कार्ड्स आपके क्या है 52 है। यहाँ पर ये बोलता है कि अब यहाँ पर नाइदर नॉर आइदर और लीस्ट मोस्ट ऑलमोस्ट ये सब चीजें मैंने बहुत अच्छे से अपनी प्रोबेबिलिटी में डिस्कस की है एक एक चीज को लेके। जिसने भी नहीं देखी है प्लीज पीछे वाली वीडियोस को ध्यान से देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर ये बोलता है कि नाइदर ना ही वो क्या होना चाहिए फेस कार्ड होना चाहिए और ना ही क्या होना चाहिए प्राइम नंबर भी नहीं होना चाहिए, उसको दोनों ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर फेस कार्ड की अगर हम बात करते हैं तो फेस कार्ड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फेस कार्ड कौन से होते हैं बेटा, जो फेस कार्ड होते हैं उनको ए के क्यू और जे जो होते हैं वो चार ऐसे कार्ड्स होते हैं जिनको फेस कार्ड भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चार कार्ड्स हो गए, प्लस क्या होता है कि 4×4 क्योंकि अगर आप बात करते हैं तो चार क्या होते हैं हर उसमें होते हैं, डायमंड में, स्पेड में, क्लब में, ठीक है, तो सब में चार होते हैं, तो 4×4 ऐसे 16 कार्ड्स होते हैं टोटल जो आपके फेस कार्ड कहलाते हैं इन अ बंच ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, क्लियर है आपको, कि फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि ए के क्यू और जे जो होते हैं वो हर जो क्लब होता है, स्पेड होता है, डायमंड होता है, ठीक है, आपका जो भी होता है हर्ट होता है, उन सब में क्या होते हैं चार चार होते हैं, इसलिए 4×4 आपके 16 जो ऐसे होते हैं फेस कार्ड होते हैं टोटल। उसके बाद इसने बोला कि ये फेस कार्ड की बात कर दी, उसने दूसरा बात बोली कि हमें प्राइम नंबर भी नहीं चाहिए, मेरे को क्या नहीं चाहिए प्राइम नंबर। अब आपको ऑलरेडी पता है अगर हम लोग किसी का भी बनाते हैं तो हमारी स्टार्टिंग कहाँ से होती है 13 कार्ड्स होते हैं, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 के लिए हम लोग जे यूज करते हैं, फिर आपका क्यू यूज करते हैं, फिर के यूज करते हैं और ए यूज करते हैं। ए आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं या आगे भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा कि प्राइम नंबर, यहाँ पर प्राइम नंबर कौन से होंगे, यहाँ पर जे क्यू के ए को फेस कार्ड है, उनको प्राइम नंबर में नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइम नंबर ऐसे कौन से होंगे, एक टू प्राइम नंबर होगा बेटा जो सिर्फ अपनी ही टेबल से में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता, एक थ्री आपका प्राइम नंबर होगा, ठीक है, एक आपका फाइव प्राइम नंबर होगा और एक आपका क्या होगा, सेवन भी आपका प्राइम नंबर होगा, होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर ऐसे चार नंबर है जो आपके प्राइम नंबर होंगे, तो यहाँ पर भी क्या होगा, फोर इंटू फोर हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर फोर इंटू फोर हो गया, यहाँ पर भी क्या हो गया आपका, सिक्सटीन हो गया। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 52 में से अगर आप माइनस करते हैं 16 माइनस 16 अपॉन में कितना हो गया आपका, 52। तो ये हो जाता है आपका 16, 52 माइनस 36 32 अपॉन में 52। तो ये बेटा आपको हो जाता है 20/52, जिसको आप लिख सकते हैं, आप इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज 5/13 भी आपका आंसर होगा, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और लेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 है, कि 34 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज। 34 इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा बेटा जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, और उसके बाद आगे हम ये चैप्टर कंटिन्यू करेंगे इन अ नेक्स्ट सेशन। तो यहाँ पर 34 क्वेश्चन है, 34 क्वेश्चन में ये बोलता है, 34 क्वेश्चन में पूछा गया है कि वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेस्क ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग आइदर अ ब्लैक किंग और अ क्वीन, ठीक है, कि या तो वो ब्लैक किंग होना चाहिए या वो ब्लैक क्यून होनी चाहिए, ठीक है, आइदर अ ब्लैक किंग और अ क्यून। यस, Either a black king or a black queen. Okay, तो उसने क्या कहा है, एक पहले सबसे पहली probability find out करने के लिए कहा है कि आप ऐसी probability को find करिए कि जिसमें आपका क्या है कि या तो वो आपका ब्लैक आइदर अ ब्लैक किंग होना चाहिए और अ क्यून होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ब्लैक क्यून नहीं है, यहाँ पर सिर्फ क्यून क्वीन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे बेटा, किंग की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, आपको पता है कि ब्लैक किंग कितने होते हैं, सिर्फ टू होते हैं, एक आपका किस में होता है, स्पेड में होता है, और एक आपका किस में होता है, मैं भूल गई हूँ किस में होता है आपका, हर्ट डायमंड तो इधर होता है, क्लब में होता है, क्लब और स्पेड ऐसा होता है जो ब्लैक होते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, टू हो गया और प्लस क्वीन होनी चाहिए, क्वीन तो आपकी चार होती है, उसने ये तो बोला नहीं कि रेड होनी चाहिए या ब्लैक होनी चाहिए, तो चार क्वीन हो गई और टोटल आपके कितने हो गए, 52 हो गए। तो यहाँ पर आपका आंसर आता है 6/52, जिसको आप लिख सकते हैं 3/26, ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है आइदर आप ब्लैक किंग और आप क्यून, कि आपकी क्वीन जो है आपकी होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन वो पूछता है बेटा, रेड फेस कार्ड, अब आपको क्या पूछा गया है, रेड फेस कार्ड पूछा गया है, रेड भी होना चाहिए और फेस कार्ड भी होना चाहिए, रेड भी होना चाहिए और फेस कार्ड भी होना चाहिए। तो रेड आपको क्या है आपका, रेड आपके कितने होते हैं, आपके चार होते हैं, रेड कितने होते हैं आपके, ये इसने क्या पूछा है, रेड फेस कार्ड, कि लाल रंग का फेस कार्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी क्या होते हैं, दो ऐसे बंच होते हैं 13 के जो आपके रेड होते हैं नहीं होते। अब इसमें क्या होता है, इसमें डायमंड और हर्ट जो होते हैं वो रेड होते हैं, ठीक है, और जो फेस कार्ड होते हैं बेटा वो आपके कितने होते हैं, तीन होते हैं, जे के और आपका क्यू जो होती है वो आपके वो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि आप यहाँ पर लिखेंगे कि जो रेड है प्लस फेस कार्ड है
ये आपके दोनों होने चाहिए। तो यहाँ पर आपका भी आंसर आ जाता है 5/52, दैट इज अगेन 3/26। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि अ क्वीन ऑफ ब्लैक सूट, कि क्वीन कैसी चाहिए उसको, ब्लैक सूट की चाहिए। क्वीन दैट इज कॉल्ड क्वीन ऑफ ब्लैक सूट, मतलब जो ब्लैक क्वीन निकलेगी वो कैसी होनी चाहिए, ब्लैक सूट की होनी चाहिए। तो ये दो ही कंडीशन बनती है कि या तो वो आपकी क्लब की होगी या वो स्पेड की होगी। तो यहाँ पर 2/ क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा बेटा, 2/52 हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड 1/ आपका आ जाता है 26। तो यहाँ पर 1/26 आपका आंसर हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन पूछा है डी अ 5, अब उसको क्या चाहिए, एक 5 चाहिए। उसने बोला कि मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, एक 5 की चाहिए। तो यहाँ पर 5 आपको पता है कि जब आप कार्ड्स खेलते हो तो उसमें क्या होगा, एक 5 डायमंड का होगा, एक क्लब का होगा, एक स्पेड का होगा और एक क्या कहते हैं हर्ट का होगा। तो यहाँ पर रेड ब्लैक तो बोला ही नहीं है, तो 4 आपके ऐसे होंगे जो इस तरीके से होंगे, 4 की 5 होंगे। तो यहाँ पर आ जाता है 1/1/13। तो ये आपका आंसर हो जाता है 1/13। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अभी तक हमने 34 तक एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आप कहीं भी भूल रहे हैं या कोई भी डाउट है तो पीछे मेरी वीडियो जरूर देखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।